है और ईडी दफ्तर के बाहर बकायदा उसी तरह का टेंट लगाकर कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज करवा रही है, जिस तरीके की तस्वीरें हमने राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान देखी थी। और एक बार आप देखिए, कैमरामैन राहुल से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं। हालांकि बड़े नेता भी यहां पहुंचना शुरू हुए, नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ पर अगर मंत्रियों की बात करें तो साले मोहम्मद हैं, कृष्णा पूनिया हैं, पवन गोदारा हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास अपने कार्यकर्ताओं के साथ अभी आ रहे हैं। इंतज़ार यहाँ पर है पीसीसी चीफ का, गोविंद सिंह डोटासरा सरकार के, हालांकि कई मंत्री जिनमें शकुंतला रावत हैं वो दिल्ली में हैं, लेकिन अभी भी उतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं हैं। और जिस तरह का जो है एक बड़ी तस्वीर हमने देखी थी राहुल गांधी से विरोध प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस नेताओं की कोशिश कवायद है कि उसी तरीके से विरोध प्रदर्शन वो यहां पर करते हुए दिखाई दें। और प्रसादी लाल मीणा को आप देखिए, अभी यहां पर वो मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अशोक गहलोत को हमने दिल्ली में सुना, अशोक गहलोत ने कहा था कि सोनिया गांधी इटली से आई हैं, लेकिन सोनिया गांधी इटली से आई हैं लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को, देश की संस्कृति को आत्मसात किया, एक तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और ये कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की तरह ही एक कहें लंबा जो है पूछताछ का दौर चलेगा, या फिर कहें कि आज की पूछताछ के बाद ये दौर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी हमारे साथ हैं। प्रसादी लाल जी, कहें कि राहुल गांधी के समय पूरी कांग्रेस नजर आई थी सड़कों पर, अगर उसी तरह का वाकया रहे, सोनिया गांधी से पूछताछ लंबी चले, तो विरोध प्रदर्शन का वही दौर रहने वाला है? हाँ, वो पहले वाला दौर है। जो मोदी सरकार की जो ये कारगुजारियाँ हैं कांग्रेस के नेताओं को ईडी सीबीआई इनसे परेशान करना, कि देश इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना कांग्रेस बर्दाश्त करेगी। ये जो बदले की भावना की राजनीति है, ये देश में ठीक नहीं है। इससे भाईचारा खराब होता है, देश की लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। और मैं कहूँगा सोनिया जी को 70 पार से जिनकी उम्र है, इस तरह नोटिस देकर बुलाना एक तरह से अमानवीय है। उनको अगर कोई पूछताछ करनी थी तो सीबीआई ईडी वहाँ जाकर भी उनसे पूछताछ कर सकती थी। लेकिन पर दिक्कत क्या है आपको, अगर ईडी की पूछताछ होती है तो शांतिपूर्ण ढंग से सही तरीके से पूछताछ हो सकती है, विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पूछताछ की हम मना नहीं कर रहे हैं, और उनके घर पे भी आके पूछताछ कर सकती थी ईडी। उनकी उम्र को देखते हुए, उनको स्वास्थ्य को देखते हुए ईडी उनके घर पे भी आके पूछताछ कर सकती थी, उनको कौन रोक रहा था? तो ये राजनीति बदले की भावना है, और निश्चित रूप से मोदी सरकार का जो 1 पॉइंट प्रोग्राम है कांग्रेस को समाप्त करना, उसको देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको लगता है ये टॉर्चर किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ये लोग, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? पर दूध का दूध और पानी का पानी, कहीं भी उसमें कहीं भी किसी का कोई है, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का था, कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के पास रहेगा। बिल्कुल, नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से पूछताछ का दौर चल रहा है, और अब इंतजार है पीसीसी चीफ यहां पर आए, और सरकार के कई जो हैं मंत्री विधायकों को हमने यहां पर देखा है, और जो पवन गोदारा हैं वो हमारे साथ हैं। पवन जी, जरा खड़े हो जाइए। क्या जो विरोध की एक राजनीति कहें, भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है जबकि ईडी अपना काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे देश में आज जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, हर चाहे कोई भी आदमी हो जो इस भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, ये उनको ईडी और सीबीआई के नाम पर धमकाते हैं। जी बिल्कुल, सुशांत लौट कर आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता मनोहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, दिल्ली की किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है?